नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन वाला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यह वीडियो आधार के रिगार्डिंग है कि अब ज़मीन का भी आधार नंबर होगा, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन के तहत अब ज़मीनों का भी आधार नंबर होगा। तो यह वीडियो केवल इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग है कि मैं क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं इससे, आपको मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन के तहत ही ज़मीन का आधार नंबर होगा, तो चलिए उसके बारे में आपको सारी जानकारी बताता हूँ। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा क्या कैसे होगा, ठीक है दोस्तों। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो देश के नागरिकों के आधार कार्ड की तरह अब ज़मीनों का भी आधार नंबर होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे हमारा आधार नंबर है जो 12 डिजिट का नंबर मिलता है हमें, तो उसी प्रकार अब ज़मीनों का भी एक आधार नंबर होगा, ठीक है दोस्तों। आगे की इन्फॉर्मेशन में हम बता सकते हैं आपको, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन यानी एक राष्ट्र और एक पंजीकरण कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ज़मीनों के लिए विशिष्ट पंजीकरण संख्या यूनिक रजिस्टर्ड नंबर फॉर लैंड जारी करेगी, ठीक है दोस्तों। आईपी बेस्ड टेक्नोलॉजी की मदद लेगी सरकार। दोस्तों, मंगलवार को संसद में पेश किए गए आम बजट 2022 में केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि अब देश की ज़मीनों का भी डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो सारा का सारा डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा वो किस टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाएगा, तो आईपी बेस्ड टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसा किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि मार्च 2023 तक देश भर में ज़मीनों के रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन का लक्ष्य सरकार ने रखा है। उन्होंने कहा है कि ज़मीनों के कागजात के आधार पर ही डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, यानी कि जो भी आपके पास ज़मीन को जो भी कागजात होंगे आपके पास, जो भी खसरा वगैरह होगा उसके आधार पर ही, ज़मीन का नक्शा होगा उसके आधार पर ही आपका सारा का सारा ये डिजिटल किया जाएगा, ताकि आप एक क्लिक के माध्यम से ही सारी की सारी जानकारी आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर देख सकेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे की प्रोसेस हम देखते हैं, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड के कई होंगे फ़ायदे। अब अपन फ़ायदे देख लेते हैं, फ़ायदे क्या क्या होने वाले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज किए जाने के कई फ़ायदे होंगे। बताया जा रहा है कि ज़मीनों को 3C फार्मूले के तहत बांटा जाएगा, जिसका लाभ सभी लोगों को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। बजट यूनियन बजट ऑफ इंडिया 2022 प्रस्ताव में कहा गया कि इस कार्यक्रम से सारे रिकॉर्ड केंद्रीकृत हो जाएंगे, एक क्लिक पर सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। सरकार ने जो कार्यक्रम तय किया है उसके मुताबिक अब आपकी ज़मीन का 14 अंकों का UL PN नंबर यानी यूनिक नंबर जारी किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो 14 अंकों का होगा आपका आधार नंबर, 12 अंकों का कि UL PN नंबर होगा जो आपका, वो 14 अंकों का होगा, ठीक है दोस्तों। ज़मीन की खरीद बिक्री में नहीं होगी कोई दिक्कत। ज़मीनों का आधार कार्ड UL PN नंबर मिल जाने के बाद ज़मीन की खरीद बिक्री में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब बहुत ही आसानी से आप अपनी ज़मीन को खरीद सकेंगे और बेच सकेंगे। बताया जा रहा है कि इस नंबर के जरिए देश में कहीं भी ज़मीन को खरीदने बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बजट में जो प्रस्ताव आया है उसके बारे में कहा जा रहा है कि एक क्लिक में लोगों को ज़मीन का पूरा विवरण मिल जाएगा, यानी कि आप एक क्लिक करेंगे, अपनी थोड़ी सी जानकारी डालनी होगी, और यानी कि आपको UL PN नंबर डालना होगा, उसके बाद आपकी सारी की सारी जानकारी आपकी ज़मीन की आपके सामने होगी, आपका नक्शा होगा और आपकी जितनी भी ज़मीन का एरिया है वो सारा रिकॉर्ड आपके पास होगा, ठीक है दोस्तों। और ज़मीन के बंटवारे के बाद आपका आधार जो होगा, आधार नंबर होगा, UL PN नंबर वो बदल जाएगा दोस्तों। ये भी कहा गया है, ज़मीन का अगर बंटवारा होगा, यानी आपकी ज़मीन सिंगल है, कल को उसे बंटवारे में बांटी जा रही है, दो लोगों के बीच बंट रही है, तो उसका भी अलग अलग आधार नंबर यहाँ पे हो जाएगा। ज़मीन का अगर बंटवारा होगा तो उसका आधार नंबर अलग अलग हो जाएगा। ज़मीन का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा, तो किसी भी ज़मीन का रिकॉर्ड देखना आसान हो जाएगा। ज़मीन की नपाई जो होगी वो ड्रोन कैमरे से होगी, जिससे गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी, ना के बराबर होगी, ठीक है दोस्तों। माने कि केवल एक ड्रोन जो ऊपर उड़ता है उसके सहारे के माध्यम से आपके ज़मीन का ज़मीन की नाप होगी, और यहाँ पे जो भी गलती होगी वो बिल्कुल भी ना के बराबर होगी, ठीक। एक क्लिक में देख पाएंगे लैंड रिकॉर्ड। डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो जाने के बाद ज़मीन का रिकॉर्ड देखने के लिए भूमि एवं राजस्व विभाग के कार्यालयों के आपको चक्कर नहीं लगाने होंगे, ठीक है दोस्तों। कभी कभी आप लोगों को अपने ज़मीन का नक्शा देखने के लिए राजस्व विभाग में जाना पड़ता है, भूमि एवं राजस्व विभाग के चक्कर लगाने होते हैं आपको नक्शा देखने के लिए, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। डिजिटलाइजेशन के बाद अब अपने मोबाइल या किसी भी
आप अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर भी व्यक्ति अपनी अपनी ज़मीन का नक्शा उसका पूरा विवरण देख सकेगा। ठीक दोस्तों, मौजूदा समय में देश में 140 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन पर खेती हो रही है और 125 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन को खेती के लिए ठीक किया जा रहा है। ठीक दोस्तों, तो ये थोड़ी जानकारी थी आधार नंबर के रिगार्डिंग, ज़मीन का आधार नंबर। तो अब आप देख लीजिएगा जैसा भी आपको ठीक लगे कि ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।